हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ 10 हर्बल कॉस्मेटिक ब्रांड्स जो कि इंडिया में अवेलेबल हैं और आप आराम से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ब्रांड है वो है लोटस हर्बल्स का और ये ISO 9001 सर्टिफाइड कंपनी है। और इसका फेवरेट प्रोडक्ट जो मेरे पास है और जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ वो है लोटस का UV स्क्रीन मैट जेल। इसके लोटस के जो सनस्क्रीन और सन प्रोटेक्शन रेंज है बहुत ही अच्छी है, हर स्किन टाइप के लिए मिल जाता है। ये जो मैट जेल है ये मैंने लिया था ऑयली स्किन को ध्यान में रखते हुए, SPF 50 इसमें है। इसके अलावा ये जो कंपनी ऑफर करती है स्किन बॉडी केयर, हेयर केयर, मेकअप भी ये प्रोवाइड करती है। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांड है वो है वादी हर्बल्स और इसका लिप बाम मुझे बहुत ही पसंद आया। इसकी फूड केयर रेंज भी काफ़ी अच्छी है और मेरा फेवरेट तो इसके लिप बाम्स ही हैं। और ये जो ब्रांड है इसमें जो शार जेल है वो भी काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉबेरी वेरियंट जो इसका है बहुत ही कमाल का है। शैम्पूज मैंने इसके मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। ये जो कंपनी है इसमें आपको फेस केयर, बाथ एंड बॉडी केयर, हेयर केयर, फुट केयर सब मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांड है वो है खादी नेचुरल्स का। इसके शैम्पूस बहुत अच्छे हैं। इसका फेवरेट प्रोडक्ट जो है, इस पर मैंने रिव्यू भी शेयर किया हुआ है, वो है मेरा मिंट एंड एलोवेरा जेल। और ये काफ़ी अच्छा जेल है स्पेशली फॉर समर्स। और सबसे अच्छी बात ये है ना, ये क्लियर है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर इन्होंने ऐड नहीं करा है। इसके अलावा इसमें हैंडमेड सोप्स भी बहुत ही अच्छे हैं। ये जो सोप मेरे पास है खादी का, ये जो है स्क्रब सोप है, तो इसमें एक जो लेयर है वो स्क्रब की है और दूसरी साइड में जो है आपको सोप मिल जाता है। उसके अलावा ये रेंज इनकी अरोमा थेरेपी रेंज इनकी काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांड है वो है जोवीज और ये इसका जो सनस्क्रीन है और स्क्रब है बहुत ही अच्छा है। इसका ये डी टैन स्क्रब जो है, इस पर मैं रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ, जो अंडर 200 रुपीज़ जो स्क्रब आपके पास होने चाहिए उनमें से एक ये है और काफ़ी अच्छा स्क्रब है, टैनिंग को बहुत ही अच्छे से रिमूव करता है। उसके अलावा जो है इसकी पर्ल वाइटनिंग जो है किट और गोल्ड किट है वो भी काफ़ी अच्छी है, फेशियल किट जो है आप उनको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिफ्थ ब्रांड की ओर जो कि है आयुर हर्बल्स और इसका जो क्लेंजिंग मिल गया वो मेरा फेवरेट है। स्टार्टिंग में ही अपनी जो स्किन केयर का जो रूटीन था ना, मैंने उसको सबसे पहला प्रोडक्ट जो था वो यही यूज़ किया था, क्लेंजिंग मिल्क जो था, और बहुत ही अच्छा क्लेंजिंग मिल्क है। अभी भी मैं इसको ही यूज़ करूँगी अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा तो, और काफ़ी अच्छा क्लेंजिंग मिल्क है ये। इस ब्रांड की बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि ये अफोर्डेबल बहुत ही ज़्यादा है और टीनेजर फ्रेंडली स्किन केयर बनाता है। नेक्स्ट जो ब्रांड है वो है बायोटिक और इसके तो मैंने बहुत ही ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई भी हैं अपने चैनल पे, आप रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं। इसका फेस सीरम और ये बायोटिक का नीम फेस वॉश और टोनर कुकुम्बर वाला बहुत ही अच्छा वेरियंट मुझे लगता है। और इसके अलावा जो है ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं रिलेटेड टू स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर, और साथ में इनका मेकअप भी है। मेकअप की रेंज लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा खास पसंद नहीं आती है एज़ कम्पेयर टू स्किन केयर और हेयर केयर। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांड है वो है जस्ट हर्ब्स और इसका ये वाला जो फेस मास्क है ना, डी टैन मास्क, बहुत ही अच्छा है, रोज़ वाला, रोज़ पेटल मास्क। इसके अलावा जो है ना, ये जो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं ब्रांड के बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं और जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो सारे ही इन्होंने दिए हुए होते हैं, तो सारे ही इंग्रेडिएंट्स इसके जो है डिस्क्लोज इन्होंने ब्रांड ने किए होते हैं लेबल के ऊपर, ये बात मुझे इनकी बहुत ही अच्छी लगती है। एट्थ ब्रांड जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है फॉरेस्ट एसेंशियल्स, लेकिन ये जो है थोड़ा हायर साइड में ब्रांड आ जाता है। और इसका जो ट्रैंक्विल है ना स्लीप वाला बहुत ही अच्छा है, 900 के अराउंड इसका प्राइस है। लेकिन अगर आपको स्लीपिंग में प्रॉब्लम होती है, आपका डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न रहता है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। वेलनेस, फेस केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर की रेंज आपको आराम से इसमें मिल जाएगी। नाइन्थ ब्रांड जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है VLCC। इसकी सन डिफेंस रेंज बहुत ही कमाल की है, आप हर SPF हो, 30 हो, 20 हो, 50 हो, 40 हो, आपको आराम से इसमें सन डिफेंस रेंज में आराम से सनस्क्रीन मिल जाती है। और फेवरेट मेरा इसका सनस्क्रीन ही है, ज़्यादा मैंने प्रोडक्ट्स इसके ट्राई नहीं करे हैं। लोशन मैंने इसका ट्राई किया था, इतना खास मुझे नहीं लगा। मॉइस्चराइजिंग है लेकिन उसकी स्मेल थोड़ी सी वियर्ड है। उसके बाद जो टेंथ प्रोडक्ट और जो लास्ट ब्रांड है वो है हिमालय का नीम प्यूरिफाइंग फेस वॉश जो है टीनेजर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, अफोर्डेबल भी इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स होते हैं और तो टीनेजर फ्रेंडली भी साथ में होते हैं और आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस ब्रांड पे। मुझे इसका नीम फेस पैक भी
बहुत अच्छा लगता है, नीम स्क्रब भी इसका अच्छा लगता है। ओवरऑल जो इसकी फेशियल किट एक आती है ना पूरी, जिसमें एक फेस मसाजर भी मिलता है, अगर आप टीनेजर हैं या बजट में और आपको फेशियल के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप वो किट ट्राई कर सकते हैं। 500 के अराउंड वो मिल जाएगी, ऑफर में 300 की भी मिल जाती है, आप उसको ट्राई करिए, आपको बहुत ही अच्छी किट लगेगी वो, अगर आप हिमालय के ब्रांड्स ट्राई करते हैं तो। और इसी के साथ आज की हमारी वीडियो खत्म होती है, एंड दैट्स इट आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।